गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात। और आज का टॉपिक है जो लेसन आपका फर्स्ट था, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, क्लास 12 का ही है और उसी का सेकंड पार्ट है ये रोग के। आज हम पढ़ेंगे कि रोग के प्रकार, कि रोग कितने प्रकार की होती है। अगर रोग के प्रकार पढ़ें तो रोग मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है जन्मजात रोग, दूसरा होता है उपार्जित रोग। पहला जन्मजात रोग, दूसरा उपार्जित रोग। जन्मजात रोग कौन से होते हैं? जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। मतलब है कि जैसे ही हमारा जन्म होता है, या जन्म माँ के गर्भ में ही, या जन्म के बाद ही हमें जो रोग हो जाते हैं, ऐसे रोग जन्मजात रोग कहलाते हैं। अब जन्मजात रोग कितने प्रकार के होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसा पहला जो जन्मजात रोग है, किसी जीन में उत्परिवर्तन द्वारा, किसी जीन में उत्परिवर्तन द्वारा। दूसरा है गुणसूत्री असमानताओं के द्वारा। तीसरा जन्मजात रोग है वातावरणीय कारकों के द्वारा। अब अगर हम बात करें कि किसी जीन में उत्परिवर्तन के द्वारा कौन से रोग होते हैं, किसी जीन में, जैसे आप माता पिता के जीनों में अगर कोई उत्परिवर्तन हो जाए, तो उस परिवर्तन के कारण उसके होने वाले बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे ये कौन से रोग होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्धांता, रंजकहीनता। वर्धांता आप लोग अच्छे से हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, रंजकहीनता भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, कि वर्धांता में आपको हरे और लाल रंग में फर्क नहीं महसूस कर पाते हैं, इसी को बोलते हैं वर्धांता। और ये रोग कैसे होते हैं, ये जन्म से हमें मिलते हैं, ये हमें बाद में नहीं मिलते हैं। गुणसूत्री असमानताओं में क्या होता है कि माता पिता के जन निषेचन के समय, उनमें जो निषेचन के समय जो गुणसूत्रों का मिलान होता है, अगर गुणसूत्रों में उनकी संख्याओं में कोई कम या ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे रोग को हम गुणसूत्री असमानताओं वाले रोग कहलाते हैं। जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम व अन्य रोग इसके होते हैं। जब हम ये चैप्टर मेंडल का आपको पढ़ाएंगे, तब आपको हम समझाएंगे कि टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद एक रोग होता है, बच्चे पे वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है कि माँ के जब गर्भ में बच्चा होता है तो उस समय उसके वातावरण कैसा है, उसके अकॉर्डिंग कभी कभी उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे कुछ बच्चों में देखा होगा, शैशवावस्था में जब पैदा होती हैं तो उनके कटे हुए होंठ और तालू होते हैं। तो इस ये रोग जो है आपके जन्मजात रोग कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उपार्जित रोग। उपार्जित रोग क्या होते हैं? उपार्जित रोग वे रोग होते हैं जो हमें जन्म के बाद किसी कारण, किसी वातावरण या किसी अन्य कारण से हमें वो रोग हो जाते हैं, ऐसे रोग उपार्जित रोग कहलाते हैं। जैसे उपार्जित रोग एक बार फिर से हम आपको समझाना चाहेंगे कि उपार्जित रोग क्या होते हैं, जो जन्म के बाद, हम कुछ जीवन जीने के बाद किसी कारणवश, वातावरण या किसी अन्य फैक्टर के कारण जो हमें रोग होते हैं, तो ऐसे रोग उपार्जित रोग कहलाते हैं। अब उपार्जित रोग जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे मुख्य रूप से वो भी दो होते हैं, जैसे संक्रामक रोग, मतलब है कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब संक्रामक रोग। जैसा आज आप लोग देख रहे हैं COVID-19 जो चल रहा है, वो एक संक्रामक रोग ही है। उसी प्रकार के ये संक्रामक रोग या संचरणी रोग और कम्युनिकेबल डिजीज या रोग कहलाते हैं। अब ये संचरणी रोग दूसरा कौन सा है? असंक्रामक रोग। दूसरा आपका रोग क्या है उपार्जित रोगों में? असंक्रामक रोग।
पहला रोग संक्रामक रोग, दूसरा रोग असंक्रामक रोग, जो हमें कुछ जीवन जीने के बाद ये किसी कारणवश हो सकते हैं। अगर हम संक्रामक की बात करें तो संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे में या किसी अन्य कारण से एक दूसरे में फैलते हैं। असंक्रामक रोग होते हैं जो एक दूसरे में नहीं फैलते हैं, मींस कि एक दूसरे में ऐसे रोग जो एक दूसरे से ना फैले असंक्रामक रोग कहलाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने संक्रामक रोग पे। संक्रामक रोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ससगंज रोग, दूसरा होता है ससगंज रोग क्या होता है? ऐसे ये सबसे पहले एडिंग ये ससगंज रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो डायरेक्ट आप क्या करते हैं किसी के टच में आते हैं, मतलब है कि आपका अगर हाथ छुआ, आपका शरीर से शरीर मिला, या आप उसके कपड़े यूज करते हैं, या आप उसके साथ खाते हैं पीते हैं खाना खाते हैं, तो ऐसे रोग जो डायरेक्ट किसी के संपर्क में आने के कारण होते हैं ऐसे रोग ससगंज रोग कहलाते हैं। जैसे चेचक, दाद, खसरा, कुष्ठ रोग जानते होंगे, लेप्रोसी जिसको बोलते हैं, जो शरीर में धीरे धीरे गलने लगता है, ये छुआछूत की बीमारी छूने से होता है, डायरेक्ट टच में अगर आपने उसको पकड़ लिया है तो हो सकता है कि आपको भी हो जाए। चेचक रोग अगर आपके घर में किसी को हुआ है तो अगर आपने उसके बिस्तर या आप उसके साथ में सोते हैं तो संभव है कि आपको भी रोग हो सकता है। दाद अगर आप किसी व्यक्ति को है, अगर आप उसके किसी उसी भाग को छूते हैं या आपके संपर्क में या आप उसके कपड़े पहनते हैं तो आपको संभव है कि दाद आपको भी हो सकता है। अब इसके बाद असगंज रोग क्या होते हैं? असगंज रोग ऐसे रोग होते हैं जो भौतिक कारणों के द्वारा होते हैं, ये भी संचारी रोग, लेकिन ये किसी डायरेक्ट संपर्क में ना होने के कारण ये किसी भौतिक कारणों की वजह से हो सकते हैं, जैसे फ्लेग, हैजा, मलेरिया, हेपेटाइटिस। ये क्या होते हैं? ये हवा के द्वारा भी हो सकते हैं, दूषित जल के द्वारा हो सकते हैं, और किसी दूषित खान पान से भी हो सकते हैं। मतलब है, सीधे सीधे कहने का मतलब है कि ये एक से दूसरे से फैलते हैं, लेकिन डायरेक्ट किसी टचिंग किसी के स्पर्श करने से नहीं फैलते हैं। ये हवा के द्वारा भी फैल सकते हैं, पानी के द्वारा भी फैल सकते हैं, दूषित खाना खाने से भी फैल सकते हैं, या और कोई भी अन्य कारण भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं, आशा है कि समझ में आ रहा होगा कि असगंज रोग क्या होते हैं, फ्लेग कौन कौन से हैं, फ्लेग, हैजा, मलेरिया, हेपेटाइटिस। ये कैसे हैं? ये वातावरण में जो दूषित हवा के कारण हो सकते हैं, जल के कारण हो सकते हैं, या किसी अन्य के कारण या दूषित भोजन के कारण भी हो सकते हैं। अगर हम असंक्रामक रोग की बात करें, नॉन कॉम्युनिकेबल रोग की बात करें, तो नॉन कॉम्युनिकेबल रोग ऐसे रोग होते हैं, असंक्रामक रोग नॉन कॉम्युनिकेबल रोग हैं। नॉन कॉम्युनिकेबल रोग में क्या होता है कि जो रोग तो हैं लेकिन वो एक दूसरे के संपर्क में आने से एक दूसरे में नहीं फैलते हैं, ऐसे रोग असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे नंबर एक है, ये भी कई प्रकार के हैं, छह कारक रोग, नंबर दो अल्पता रोग, और नंबर तीन गलत आदतों के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, नंबर चार है कैंसर। ये किसी के छूने या किसी अन्य कारण से या दूषित जल या खान पान से नहीं होते, ये असंक्रामक रोग है। छह कारक रोग क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति के किसी अंग का पूर्ण रूप से
काम ना करने के कारण ऐसे रोग होते हैं। जैसे मिर्गी, मिर्गी क्या होता है कि मिर्गी रोग ऐसा होता है कि जब आपके दिमाग का कोई एक सिस्टम काम ना करे, दिमाग का कोई भाग कार्य ना करे, तो आपको यह रोग मिर्गी रोग हो जाता है। हृदय रोग क्या होता है कि हृदय का कोई भी एक कोई भी एक अंग, हृदय का कोई भी पार्ट या वेंस प्रॉपर वर्क ना कर पाए, तो आपको रोग क्या होता है, हृदय रोग हो सकता है। दूसरा है अल्पत्ता रोग। जैसे आप देख रहे हैं अल्पत्ता में क्या होता है कि इसमें किसी चीज की कमी होने से ऐसे रोग हो जाते हैं हमारे शरीर में। जैसे मधुमेह रोग, मधुमेह रोग होने के कारण क्या है, मधुमेह रोग होने का प्रमुख कारण है कि मानव शरीर में बनने वाली जो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, और इंसुलिन की मात्रा कम होने के कारण क्या हो जाता है, आपको मधुमेह रोग हो जाता है। जैसे कवासिकोर, कवासिकोर रोग क्या है, एक प्रोटीन की कमी से होने वाला, बच्चों में होने वाला रोग है, उसको कवासिकोर रोग कहते हैं। घेंघा रोग, घेंघा रोग किसी भी व्यक्ति में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उसको घेंघा रोग हो जाता है। लेकिन ये एक दूसरे घर में अगर आपके है तो ये किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं हो सकता। इसके बाद कैंसर, कैंसर क्या है कि वातावरण दशाओं या किसी प्रदूषण के कारण हो सकता है, लेकिन ये एक दूसरे में फैलता नहीं है। अगला क्या है, गलत आदतों के द्वारा उत्पन्न रोग। गलत आदतें क्या है, जैसे आप सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, अल्कोहल या अन्य कोई नशा या किसी अन्य गलत आदतों के कारण बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जैसे